झांसी में सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की पत्नी और उनके एक रिश्तेदार के नाम दर्ज 7,25,00,000 रुपए की जमीन शनिवार को कुर्क कर ली गई। सीपरी बाजार थाना इलाके के नया गांव मौजा में हुई इस कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग की टीमों के अलावा कई थानों की पुलिस मौजूद रही। आपको बता दें कि सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव हाल ही में जेल से बाहर आए हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार को पुलिस ने पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की पत्नी मीरा यादव के नाम सीपरी बाजार थाना इलाके के नया गांव मौजा के गाटा संख्या 278 में दर्ज 1,55,00,000 रुपए की संपत्ति की जमीन कुर्क कर ली। इसके अलावा पूर्व विधायक के साले विजेंद्र यादव के साले अखड़ापुर मौठ निवासी अनिल यादव उर्फ मामा की गाटा संख्या 275 में दर्ज 5,70,00,000 रुपए की कीमती जमीन को कुर्क किया गया है। कुर्की से पहले क्षेत्र में मुनादी कराई गई। इस दरमियान सदर तहसील लाल कृष्ण के अलावा सीपरी बाजार थाना के प्रभारी मौजूद रहे और भारी संख्या में कई थानों की पुलिस भी मौजूद रही।